अस्सलाम वालेकुम। आज मैं सांभर बनाने जा रही हूँ। ये मेरी एक डेढ़ कप दाल है, एक घंटा पहले मैंने भिगो दी है। एक कप के हिसाब से डेढ़ कप दाल है, एक बड़ी कटोरी लौकी, एक बड़ा बैंगन, ये गरम मसाला आधा चम्मच, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच लाल मिर्च पिसी हुई, दो चम्मच धनिया पिसा हुआ, कड़ी पत्ता। ये हमारा सांभर मसाला है, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। मैंने गोल्डी का लिया हुआ है, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। स्टार है ये सरसों, एक चम्मच सरसों है बघार के लिए, ये चार हरी मिर्च कटी हुई, आधा चम्मच ये नमक और आधा चम्मच ये ब्लैक सॉल्ट लेना है, काला नमक, आधा चम्मच जीरा, अभी हमने गैस पे कुकर चढ़ा दिया है। इसमें ही ये हमारी डेढ़ कप दाल भीगी हुई, एक घंटा पहले भिगो देंगे। ये भीगी हुई दाल है, ये हमारी एक बड़ी कटोरी लौकी कटी हुई, बड़ा टुकड़ा ये बैंगन, एक बड़ा बैंगन, आप इसमें कद्दू भी ले सकते हैं, ड्रमस्टिक ले सकते हैं, फ्रेंच बीन्स ले सकते हैं, जो सब्जी आपके पास अवेलेबल हो वो सब्जी आप ले सकते हैं। अभी हम आधा चम्मच नमक सफ़ेद वाला हम ले लेंगे और आधा चम्मच हम काला नमक ब्लैक सॉल्ट ले लेंगे। और ये हम इसमें दो ग्लास पानी, डेढ़ कप दाल है तो हम दो ग्लास पानी ले लेंगे अंदाज से। आप अपने अंदाज से थोड़ा और पानी बढ़ा सकते हैं, दो ग्लास पानी सही रहेगा। अब हम इसमें ये दो चम्मच धनिया, आधा चम्मच पिसा हुआ लाल मिर्च और ये आधा चम्मच हल्दी और ये आधा चम्मच, ये सब हम अब हम इसमें दो चम्मच बड़ा गोल्डी मसाला सांभर मसाला डाल देंगे। ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे डल गए हैं। अब हम इसमें कुकर का ढक्कन लगा देंगे, हमारे सांभर में दो सीटी लगा देंगे, हमारा सांभर तैयार हो जाएगा। एक साथ दाल सब्जी सब चढ़ा देंगे और दो सीटी अच्छे से लगा देंगे, दो सीटी के बाद हमारा सांभर गल जाएगा। अब ये हमारे कुकर में दो सीटी हो गई है, अब हम उसको कुकर को खोल के देखेंगे। हमारा सांभर अच्छे से तैयार हो गया है और अच्छे से हम सांभर को चला लेंगे। अब हम इसमें एक कप टमाटर, एक बड़ा टमाटर डाल देंगे, एक कप है एक बड़ा टमाटर डाल देंगे। ये आप उबालने में भी डाल सकते हैं और इस स्टेप के बाद जब आपकी सीटी लग गई है इसके बाद आप डालेंगे तो भी आपका अच्छा सा फ्लेवर आएगा। ये हमारा सांभर तैयार हो गया, अब हम इसको बघार देंगे। अभी हमने कुकर को गैस चालू कर दिया है, बस थोड़ा सा गर्म हो जाएगा उसके बाद अब हम बघार बनाएंगे। अब हम ये फ्राई पैन में दो बड़े चम्मच, एक चम्मच और ये हमारा दो चम्मच अंदाज से तेल डाल देंगे, तेल हमारा गर्म हो जाए। अभी हमारा सांभर खोल गया है, गैस बंद कर देंगे सांभर वाली और बघार वाली गैस चालू रखेंगे, इसको भी हम तेज चला देंगे।
अभी हमारा तेल गर्म हो जाएगा, फिर उसे बघार देंगे। अभी हमारा तेल गर्म हो गया है और थोड़ी सी हम गैस कम कर देंगे। अभी हम फटाफट जीरा डालेंगे, जल्दी जल्दी ये हमारे मिर्ची डाल देंगे, ये हमारा कड़ी पत्ता सूखा हुआ है, आपके पास जीरा अवेलेबल है ताज़ा वाला वो भी डाल सकते हैं, ये ज़्यादा अच्छा लगता है। ये हमारा सरसों होगा, ये हमारा सरसों, अभी हम गैस को थोड़ा सा तेज़ कर देंगे। अभी हमारा गैस पे बघार हो गया है और ये गैस बंद करके इसको हम कुकर में डाल देंगे। सांभर बिल्कुल तैयार हो चुका है, अब हम इसको डिश आउट डिश में निकालेंगे, डिश आउट करेंगे। ये अलग से सब्जियां उबालना और अलग से दाल उबालना वो सब नहीं, डायरेक्ट आप सांभर दो सीटी में तैयार। ये हमारा सांभर तैयार है, सांभर चावल, हम इसको डोसे से भी खा खाते हैं, आज हमने इसको चावल में बनाया है।